की एजेंसियों के निशाने पे है, इसको किस रूप में देखते हैं चंपल सर? देखिए कुछ ऐसा काम है ना, और यदि हकीकत काम हो रहा तो सही हो रहा है, और कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा यही कहना है। अभी तक ईडी की कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या भेदभावपूर्ण है या ठीक लग रहा है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं? इसको व्याख्या करने से बहुत कुछ बात आ जाएगा है ना, फिर भी आप तो कुछ तो सोचे होंगे है ना। और इसमें थोड़ा जल्दीबाजी होगा, हम बोल रहे हैं बाद में बोलेंगे। दादा नियोजन नीति को लेकर रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि आज भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो कह रहे कि 60-40 नहीं चलेगा, रास्ता आखिर निकलेगा? हमको बताइए ना 60-40 क्या चीज है। तो आप सरकार भी नहीं बोल रही है कि 60-40 नहीं है ना, आप बता दीजिए वो नहीं है। नहीं है, वही समझ रहे हैं ये लोग, गलत अफवाह उड़ा रहा है विरोधी लोग। दादा आप लोग सरकार, आप ही लोग बता दीजिए क्यों अफवाहों पे आप लोग भी उसको। अब तो हम लोग तो बोले रहा है 60-40 क्या चीज का है। किस नियोजन नीति की तरह आप लोग नौकरी लीजिए, किसके तहत? इतना दिन क्या हो रहा था, 2015-16 के पहले भी तो नियोजन हो रहा था ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं था ना, बस उसी तरह होते रहेगा। तो लेकिन जेएमएम को इससे दिक्कत है? क्या दिक्कत? सरकार को दिक्कत हो ना हो, जेएमएम को दिक्कत है इससे? नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई है 1932 का, 1932 कहाँ से रुक गया ये आप लोग को भी पता है, इसीलिए हम लोग सांस ले रहे दो कदम पीछे होके, तब फिर एक बार जम मारेंगे। दादा यूपी में जिस तरह ये लड़ाई, देखिए ये लड़ाई है लंबा, हमारा झारखंड आंदोलन को भी विरोधी लोग कहता था ये विच्छिन्नतावादी आंदोलन है, असामाजिक तत्व लोग है, आखिरकार हम लोग साबित कर दिया ना झारखंड अलग करके, इसीलिए ये 1932 में उसी तरह का लड़ाई है, कोई किसी का पॉकेट में नहीं है कि हम लोग निकल के दे देंगे। आप कह रहे लंबा संघर्ष, संघर्ष करना होगा, 9 शेड्यूल में डाले देखो, झारखंड आंदोलन करी सब समझ लिया है ये लड़ाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा है ना। आपको पहले तो गवर्नर से या राज्यपाल से पर करना होगा वो चीज को, तब ना केंद्र जाएगा। दादा जो सड़क पे उतरने वो भी आप ही के बच्चे झारखंड के रहने, उनको कैसे समझाइएगा पुलिस? अरे कुछ वो लोग भी समझ लेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, यहाँ का सारा चीज समझ लेगा है ना, कुछ दिन वो लोग आज नहीं समझ पा रहे कल समझ लेगा। आंदोलनकारियों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। देखिए उसका लिए आयोग गठन हुआ, एक एक करके खोज करके हम लोग देने जा रहा है, सब तक बोले इसके लिए कोई बाध्यता जैसी कोई बाध्यता रहेगी क्या? नहीं नहीं, हर तरह का हम लोग प्रावधान हुआ है ना, कोई जेल गया है, कोई शहीद हो गया है, कोई आंदोलन में शरीक हुआ है, बाहर बाहर बेल हुआ है, बहुत कुछ है ना आंदोलन में, तो बहुत सारे बहुत तरह का काम हुआ है ना, आंदोलन का एक रूप तो नहीं होता है ना। दादा यूपी वाला का कैसा देख रहे हैं आप? यूपी की यूपी में जो घटना घटी है उसमें क्या आपका? यूपी तो यूपी से जो होता है ना, आप देख लीजिए जो ऐसा कर दिया यूपी, वहाँ कोई कानून बोल के चीज नहीं है, है ना, जो मन में हो जाए, जितना आप पूर्व गुंडा कीजिए है ना, वो कहता है हम तो सब किए कर दिया, जिन लोग आज वहाँ पर नाम आ रहा है कितना कितना साल का है, इतना कम साल से वहाँ प्रैक्टिस सीख लिया है, उसी में अंदाज करो यूपी का क्या यह है राज है, समझ लीजिए, ज़्यादा उम्र दर्द तो लड़का नहीं था ना, 20 साल 22 साल है ना, थोड़ा सा एकदम माँ का गोद से निकला हुआ है 18 के बाद, तो आज उस क्षेत्र वो तो क्या वहाँ पर पास में बोलता हम बड़ा ये कर दिया, अब इतना कम उम्र को भी इस सब सीखा है, तो वहाँ ट्रेनिंग ही होता है, इसलिए यूपी का व्याख्या करने से बहुत कुछ बात निकलेगा, अब आस्ते आस्ते सब निकलेगा, आदमी समझेगा क्या है वह बीजेपी का सरकार।